आज उसके बारे में बताएंगे। ये लीजिए, आज जो पढ़ाने का जो तरीका होगा, एग्जिट कैसे होगा? आज जो पढ़ाने का तरीका होगा वो एकदम बेसिक तरीके से होगा, मतलब जिस तरीके से क्लास में पढ़ाया जाता है, सारा मटेरियल ले करके, कलेक्ट ऑल द मटेरियल एंड एक्सप्लेन द थिंग्स रिलेटेड टू द टॉपिक, इन दैट वे आई विल एक्सप्लेन टू यू। देखिए, कैंसर जो होता है ना, सबसे पहले कैंसर, कैंसर कैंसर जो होता है ये अनकंट्रोलेबल डिविजन्स ऑफ सेल होता है, जैसे कि इस वक्त आपको दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर, मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर देख रहा हूँ, हाउ कैंसर अराइजेस। तो कैंसर कैन बी डिफाइंड एज अ डिजीज एज अ ग्रुप ऑफ एबनॉर्मल सेल ग्रो अनकंट्रोलेबल बाय डिसइंटीग्रेटिंग द नॉर्मल रूल्स ऑफ सेल डिविजन। नॉर्मल सेल्स आर कॉन्स्टेंटली सब्जेक्ट टू सिग्नल। देखिए, जैसे कि हम लोगों के वहाँ कोई आदमी होता है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है किसी चीज़ पर काम करने वाली, तो वो प्रॉपर उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके लॉज होते हैं, उस हिसाब से वो ऑर्गेनाइजेशन चलती है, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, उस लॉज को मानते हैं, और उस हिसाब से वो लोग अपना काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाले, और उस हिसाब से उनको पैसे भी मिलते हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन अपना लॉज मानना बंद कर दें, वो अपनी मनमर्जी करना शुरू कर दें, तो जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जो काम होगा वो सही से हो नहीं पाएगा, सारा डिसइंटीग्रेशन होने लगेगा, पूरा खराब हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रह पाएंगे, और जो प्रोडक्टिविटी होती है वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी रुक जाएगी, अगर लोग करप्शन करना शुरू कर दें, लोग सही टाइम पे ना आए जॉब के लिए। इसी तरीके से हमारा कैंसर होता है सेल के अंदर। सेल हमारा जो होता है ना, एक इस तरीके का होता है, सब चीजों में हमारे वहां सेल मिलता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए होते हैं, लेकिन सेल हमारा अनकंट्रोलेबल डिविजन्स करना शुरू कर देता है, जैसे कि यहाँ दिखाया जाएगा अभी आपको अनकंट्रोलेबल, जैसे कि ये सेल है, ये देख रहे हैं ना आप लोग किस तरीके से अच्छे हैं एपिथेलियल सेल, लेकिन ये जो ट्यूमर सेल है ये अनकंट्रोलेबल टाइप का हो गया है। देखिए, ये अपर आउटर ग्रोथ प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर भी इसके अंदर दिखाई दे रहा है, तो ये नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल ग्रो हुए हैं, इनका जब काम खत्म हो जाएगा ये अपने आप ऑटोमेटिक सेल डेथ एपोप्टोसिस कर लेंगे, लेकिन ये जो नॉर्मल सेल एक बार डिवाइड हुआ था, लेकिन इसमें कुछ ऐसी गड़बड़ी हो गई इसके डीएनए के अंदर, जिस वजह से अब ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है, अब ये अनकंट्रोलेबल पागलों की तरह आगे बढ़ता जा रहा है और पूरी बॉडी के लिए एक परेशानी पैदा कर रखा है। तो ये देखिए, ट्यूमर जो होता है ना, ये एक इनिशियल स्टेज का होता है। ट्यूमर क्या होता है? इनिशियल स्टेज होती है। ट्यूमर तब कैंसर का जब बन जाता है जब ट्यूमर प्रोपोगेट करने लगे, जैसे कि किस कोई एक कंट्री होता है जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन खराब हो गई, तो चलो ठीक है, दूसरी सारी ऑर्गेनाइजेशन तो चल रही, लेकिन अब एक ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन और सारा काम गलत काम होना शुरू हो गया, उसकी प्रोडक्टिविटी खराब हो गई, अब उसी को देख के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी ये सारी चीज़ें होने लगी, तीसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी होने लगी, पूरे कंट्री में करप्शन फैलने लगा। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर होता है सेल, एक सेल खराब हुआ, अब ये दूसरी जगह लोगों को परेशान करने लगे, जैसे कि देखिए ये अच्छा डिवीजन कर रहा था लेकिन अब ये बुरा डिवीजन करने लगा। इसी तरीके से डार्क कलर और लाइट कलर से बताया गया था, मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये इन्वेसिव स्ट्रक्चर होने लगता है। देखिए, कैंसर सेल, नॉर्मल सेल अपने टाइम पे मर जाते हैं, लेकिन ये कैंसर सेल जो होता है ये तो अमर हो जाता है, जी चाहता उतना डिवाइड करता रहता है, सारी गलत सलत हरकतें करता है, अपनी ही एक ब्लड वेसल्स बना लेता है, ताकि एक्स्ट्रा ब्लड भी लेता है, हमारे बॉडी के न्यूट्रिशन लेता है, जो हेल्दी सेल को मिलना चाहिए वो ये गंदा वाला सेल ले लेता है, कैंसर सेल, और ग्रो होने लगता है। कैंसर तब बनता है जब ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह फैलने लगे बॉडी के अंदर, तब उसे कहा जाता है ये अब कैंसर बन गया। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में गलती होती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को तो निकाला भी जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन वो किसी दूसरे को तो नहीं परेशान कर रही है, एक ही अपने में तो खराबी लिए हुए,
दूसरे में तो किसी को नहीं परेशान कर रही, लेकिन जो कैंसर वाली होता है वो अपने आप को भी बर्बाद कर रहा है, और ये बर्बादी धीरे धीरे बॉडी में दूसरे सेल में भी जा रही है। जब एक जगह से दूसरी जगह ट्यूमर ट्रांसफर करने होने लगे, जब ट्यूमर प्रोग्रेसिव इन्वेसिव स्ट्रक्चर मतलब इन्वेसिव प्लानिंग पे काम करने लगे, जैसे इन्वेड करने लगे, दूसरे सेल को भी अपने साथ बिगाड़ने लगे एक प्रोग्रेसिवली तरीके से, तो ये कहलाता है कैंसर। जब ट्यूमर फैलने लगे बॉडी के अंदर, मल्टीपल ट्यूमर हो जाए, तब वो कहलाता है कैंसर, और जब सिर्फ एक जगह होता है तो कहा जाता है ये तो ट्यूमर है। देखिए यहाँ देखिए, ये नॉर्मल सेल, ये कैंसर सेल का ग्राफ है। देखिए कैंसर सेल का ग्राफ किस तरीके से ऊपर जा रहा है, लगातार डिवीजन कर रहा है पागलों की तरह। नंबर सेल का सेल डबलिंग, सेल कितनी तेजी से देखिए इस ग्राफ में डबल होता जा रहा है टाइम के हिसाब से। और देखिए नॉर्मल सेल किस हिसाब से देखिए रिड्यूस हो गया, मतलब एक जहां तक डिवीजन किया जितना इसको करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये मर गया, अब इसका काम नहीं है तो अपने आप अपने मर भी गया, लेकिन ये लगातार बढ़ता जा रहा है। ये होता है कैंसर के अंदर। इसके अंदर देखिए ये जीन काम करता है, इसके अंदर बताया गया है कि क्रोमोसोमल डीएनए, टिलोमेरिक और डीएनए किस तरीके से डीएनए टेक पार्ट करता है ये सारे स्ट्रक्चर के अंदर, इसके बारे में बताया गया। क्योंकि डीएनए को जब खराब करोगे तभी कुछ ना कुछ तभी ऑर्गेनाइजेशन में खराबी आएगी। अगर उसका कॉन्स्टिट्यूशन खराब कर दो किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन ही जब खराब हो जाएंगे तो वो उलझ जुलूल कोई भी हरकतें कर देंगे, करना शुरू कर देंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि ये जो कैंसर होता है ना, ये किस लिए होता है, या तो न्यूट्रिएंट की वजह से होता है, क्योंकि हम लोग कुछ गलत खा लेते हैं, या नेचर गलत इन्वायरमेंट पर रहते हैं, जैसे कि अगर ज़्यादा देर हम लोग सन रेज में रहते हैं तो भी एक तरीके से अल्ट्रा वायलेट मेलेलिन पिगमेंट होता है, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा एडवर्स हीट हो जाती है तो कैंसर भी फॉर्म कर सकती है। जैसे कि हम लोग बहुत सारा जंक फूड खाते हैं, जैसे कि माइक्रोवेव में हम लोग खाना बनाते हैं तो कितना एक्रिलमाइड कंपाउंड फॉर्म हो जाता है जब उसको ज़्यादा जल जाता है ना माइक्रोवेव के अंदर, या कुकर के अंदर भी जब खाना पकता है तो जल जाता है, उसके अंदर एक्रिलमाइड कंपाउंड फॉर्म हो जाता है जो काला काला होता है, वो भी कैंसर कॉजिंग होता है। फिनॉल भी एक तरीके का कैंसरस कंपाउंड होता है, लेकिन जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं ये थोड़ी डायल्यूट होती है, लेकिन तब भी फिनॉल का जब इस्तेमाल करें तो ग्लव्स को पहन के करें, क्योंकि फिनॉल भी एक कैंसरस कंपाउंड होता है। तो ये बताता है किस इन्वायरमेंट के सेल किस इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आया, इससे होता है, या आपने कोई गंदा कोई गलत खाना खा लिया जला हुआ, या कुछ अलग तरीके का आपके इंग्रेडिएंट फूड के इंग्रेडिएंट में कोई ऐसा कंपाउंड था जो कैंसर कॉज कर सकता था, तो उस वजह से कैंसर होता है। अब देखिए कैंसर का के अंदर क्या होता है, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे एक क्रोमोसोम बैठा हो, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर ही चेंजेस आ रहे हैं, जब क्रोमोसोम्स के अंदर चेंज आते हैं तभी यहाँ पे सेल डिविजन के अंदर भी चेंज आना शुरू हो जाता है। ये देखिए ये तो एक प्रोकैरियोट है, ये रहा सेल का स्ट्रक्चर, ये रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जब चेंजेस होने लगते हैं तो इसकी वजह से पूरा सेल खराब हो जाता है, और जब खराब हो जाता है इसको कुछ समझ नहीं आता है, ये अपने आप मरता नहीं है, तो ये कैंसरस की तरह जबरदस्ती उगता रहता है और सबको सबके लिए परेशानी पैदा कर देता है पूरी बॉडी के लिए। तो ये कैंसरस सेल की एक प्रॉपर्टीज होती है। तो अब देखें रैंडम म्यूटेशन, ये म्यूटेशन इसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है, इसका जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ऐसा टाइप का इसके अंदर चेंजेस आने लगते हैं। देखिए ये एक आया फैक्टर, ये डीएनए था न्यूक्लियस, इसके अंदर चेंजेस आने लगे जिस वजह से गलत गलत प्रोटीन बनाने लगा। देखिए बाहर से स्टिमुलस आया, कुछ गलत खा लिया या गलत एनवायरनमेंट में आ गए तो ऐसा कुछ स्टिमुलस आया जिस वजह से पूरा यहाँ पे सिग्नल बदल गए, और सिग्नल बदलता हुआ इधर की तरफ पहुंचा,
और इधर से पहुंचने के बाद इधर सेल प्रोलिफरेशन प्रोटीन। अब सेल उगता जाएगा, कोई जरूरत भी नहीं होगी तब भी उगता जाएगा। देखिए नीचे पढ़ा है आप, कंपोनेंट्स ऑफ अ टिपिकल ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग कैस्केड। कैस्केड मतलब एक जगह कुछ हो गया तो वो दूसरे को मैसेज ट्रांसफर करेगा, वो दूसरे को मैसेज ट्रांसफर करेगा, वो दूसरे को मैसेज ट्रांसफर करेगा। जिस तरीके से कुछ बच्चे लोग गेम खेलते हैं ना, एक के कान में कोई बोलता है तो दूसरा उसके दूसरे कान में बोलता है, तीसरा उसके कान में बोलता है, इस तरीके से मैसेज एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर कंपाउंड होते हैं। ये देखिए इस तरफ फैक्टर आया, इधर इसने चेंज किया, इसने इसको चेंज किया, इसने इसको चेंज किया, और ये अलग तरीके का प्रोटीन बन गया। मतलब जो नहीं चाहिए था वो भी प्रोटीन बन गया। अब ये पागलों की तरह डिवाइड करता रहेगा। अब ईटिंग हैबिट और एनवायरनमेंट, हमें अच्छे एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। मास्क लगाना वैसे बहुत जरूरी होता है, मास्क लगाने से लंग्स का कैंसर प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो चुका है, नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड इस तरीके से हो चुके हैं हमारे वहाँ कि ये हमारे सेल के न्यूक्लियस को डिस्टर्ब ही कर देते हैं लंग्स के, जिससे हमारे फाइब्रोब्लास्ट डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये हमें प्रिवेंट करना चाहिए। देखिए जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हमें डिस्टर्ब कर देता है, सबसे मेन तो न्यूक्लियस ही होता है। और कैंसर होता है मेन पॉइंट आज नोट कर लीजिए, एसवी फोर्टी एक ऐसा वायरस होता है SV40, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम भी होता है, ताकि जिससे हम लोग बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और लेकिन इसके अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है SV40 की मेन जो प्रॉपर्टी होती है SV40 वायरस की, वो कैंसर कॉज करने की होती है। लेकिन SV40 के जेनेटिक मटेरियल चेंज करके उसे लाइफ साइंस के अंदर अलग अलग यूजफुल चीज़ों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन SV40 मेन कॉज होता है कैंसर का। SV40 आपको दिख जाएगा, जो सर्वाइकल कैंसर होता है, सर्विक्स के अंदर कैंसर, इसमें मेनली SV40 ही रोल करता है। और कभी कभी ये इनहेरिटेंस के थ्रू होता है, जिस तरह किसी के माँ बाप को अगर कैंसर होता है ना, तो उनके प्रोजेनी में, उनके उनके चिल्ड्रंस में भी कैंसर इजली देखा जाता है। तो ये कॉजेज थे कैंसर्स की। कैंसर के लिए न्यूट्रिशन अच्छा लेना चाहिए, जला नहीं खाना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए। जैसे कैंसर से प्रोडक्ट प्रिवेंट करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा SOD का इस्तेमाल करें। SOD का मतलब होता है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस। ऐसे कंपोनेंट लीजिए और जब भी सुपरमार्केट में जाएं, वैसे कंपाउंड को प्रेफर करें जिसमें SOD ज़्यादा हो। पीछे कंपोनेंट लिखा रहता है किसी भी प्रोडक्ट के, SOD जितना ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा कैंसर को एंटी कैंसरस होता है। और कलरफुल वेजिटेबल्स बहुत अच्छे होते हैं, तो मतलब जला हुआ नहीं खाना चाहिए, कलरफुल वेजिटेबल्स खाने चाहिए, और वो कंपाउंड जिसमें ज़्यादा SOD हो, जिससे हम लोग कैंसर से बच सकेंगे। बस थैंक यू, आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सर, वेरी नाइस सर। ओके थैंक यू। ये आपने देखा लाइफ साइंस के अकॉर्डिंग किस तरीके से कैंसर होता है और क्या चीज़ है। यहाँ पे जैसे कि ब्लैक फूड्स की बात कही गई है, तो ब्लैक फूड्स जो है ये तंदूरी चिकन, ओवन में बनने वाले प्रोडक्ट्स जिनके पीछे बैक पोर्शन पे सरफेस ब्लैक हो जाता है, थोड़ा बर्न हो जाती है चीज़, तो उसे उसे जो है नहीं खाना चाहिए। जैसे कि अक्सर लोगों ने नान यूज़ करते हैं, या कहीं शादियों में शिरमाल होती है, पीछे से ब्लैक बहुत ज़्यादा हो जाती है, जल जाती है, या ऊपर से भी जल जाती है, या ब्रेड रोटी जो होती है हमारी, चपाती भी होती है, कई बार ऐसा होता है कि जली हुई होती है, तो उसमें भी अगर यूज़ किया जाए तो वो भी नुकसानदेह हो सकती है। और कई बार ऐसा होता है बिरयानी होती है, या जैसे कि ज़रदा है, ये मीठी चीज़ स्वीट्स होती हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज़ में ज़्यादा शादियों में बनती हैं, लेकिन कुछ लोगों को नीचे का ही बहुत अच्छा लगता है, तो वो नीचे वाली जो चीज़ें होती हैं जो बॉटम पे चिपक जाती हैं, तो उसके ले खाने से भी रेगुलर अगर आदत सही है तो उससे भी कैंसर के ख़तरे बढ़े रहते हैं। और कलरफुल चीज़ जैसे कि यहाँ पर आ जाते हैं अपने मेन स्लाइड पर, जैसे कि कलर फूड्स में, जैसे कि आर्टिफिशियल कलर का यूज़ किया जाता है,
बॉडी के अंदर, सॉरी बॉडी के अंदर करें, फूड्स के अंदर। और जैसे कि ये स्ट्रीट फूड्स के अंदर होते हैं, कभी शरबत होते हैं और कभी चिकन्स के आइटम्स भी हमने देखा है, कई बार ऐसा होता है कहीं ग्रीन है, बिल्कुल रेड है, फिर वाइट है, तो वाइट तो समझ लिए वो क्रीम से कर रहे हैं, लेकिन डार्क ग्रीन नहीं समझ में आता कि वो किस तरीके से करते हैं, और डार्क रेड ये कलर यूज़ होता है। तो इस तरीके अगर ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं तो बॉडी के अंदर जाकर, आपने कई बार पेपर में भी पढ़ा होगा, न्यूज़ में भी सुना होगा, ग्रीन कलर जो है कार्सिनोजन सेल्स डेवलप करता है। यहाँ तक कि लंदन के अंदर कुछ प्रोडक्शंस यहाँ से इंडिया से गए थे, तो ग्रीन कलर के जो जितने भी क्लॉथ्स थे और रेडीमेड क्लॉथ्स थे उन पे कुछ रोक लग गई थी कि इसके अंदर कार्सिनोजन सेल्स पाए जाते हैं। तो इस तरीके से कार्सिनोजन कहीं से भी डेवलप कर सकता है, किसी भी जगह से डेवलप कर सकता है। तो हमें जो है खाने पीने, अच्छा कभी कई बार ऐसे होती है बहुत डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, हम समझते हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो ऐसी जगहों से आती हैं जहाँ पर केमिकल का ज़्यादा प्रॉपर्टी पाई जाती है, और ऐसी जगह होती है जैसे इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा हो और नदी या नालों के पानी से उसकी सिंचाई की जा रही हो, उसमें पानी दिया जा रहा हो, उससे वो ग्रो हो रही है। तो उससे तो वो ग्रो हो गई है, डार्क ग्रीन बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत दिख रही है, लेकिन उसके अंदर जो केमिकल आर्सेनिक है, आर्सेनिक आ गया या लेड्स की उसके अंदर प्रॉपर्टी पाई जा रही है, तो वो जा करके हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जहाँ भी हो, सब्जी जो विलेज से आती हैं, देहातों से होती हैं, वो पहचान में आई जाती हैं कि ये थोड़ा सा ये स्पेशल हैं और ये कुछ रफ हैं। रफ सब्जियां ज़्यादातर देखी गई हैं जिसमें ज़्यादा ग्रीनिश ना हो, बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन स्पेशल ना दिख रही हो, तो वो चीज़ें जो होती नॉर्मल पाई जाती हैं। फिर अब प्रोग्राम अपना शुरू कर रहे हैं, ये स्लाइड्स। और ब्रोकली सर, ब्रोकली भी ज्यादा ब्रोकली सही है, अच्छा लगता है ना? नहीं ब्रोकली सही है, ठीक है, ब्रोकली ले सकते हैं, ब्रोकली में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ब्रेन सेक्शन पे हमने शायद छोड़ा था इसको कल, यस सर, उसी को ढूंढ रहे हैं, ऐसा क्यों है कि वो ब्रेन वाला है? और की डिफरेंस बिटवीन लिकोमिया एंड लिम्फोमा, ये हो गया था कि डिफरेंस बिटवीन लिकोमिया एंड लिकोमा, ये तो शायद नहीं हुआ था, नहीं हो सर जी। नहीं हुआ तो फिर वो ब्रेन वाली स्लाइड्स किधर गई जिसे ब्रेन से रिलेटेड थी। इसकी लगा हो रहा ये भी नहीं हुआ सर जी। ये भी नहीं हुआ, नहीं, टाइप ऑफ ईचिंग इस एसोसिएटेड विद लिम्फोमा, ये नहीं हुआ। ये स्लीपिंग का तो कर दिया था हमने, हो गया था स्लीपिंग का। तो ये तो शुरू में आ गए हम, थोड़ा ही हुआ था शायद। डायग्राम ऑफ, ये भी नहीं हुआ था, इसको तो आप सिखा रहे थे सर जी, नहाते वक्त कैसा साफ करना है, क्लीनिंग ग्रोइंग साइड में जब। अवॉइड ईटिंग एग मीट्स एंड एग्स, ये भी नहीं हुआ था, कुकिंग। ये नहीं हुआ डू यू फील विद द लिम्फोमा सिम्टम्स, ये हो गया सर जी, ये ले हो गया। ये तो हो गया। तो इसके बाद ये बाकी होगा, यही केवल आप यहाँ पे रुक गया था। एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ अच्छा, जी तो ये जो ब्रेन हम कह रहे हैं तो शायद वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर छूट गया था, हमें जहन में वही था कि ब्रेन से शुरू करना मुझे, नहीं ठीक है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा आ जाते हैं सेल के बारे में, थोड़ा सा लिम्फ एंड ब्लड के बारे में थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ये यहाँ पे सेलुलर बायोलॉजी हमारा पूरा बेस जो है बॉडी का या लाइफ जो एनिमल्स हैं पूरी बेस जो है सेल पे ही डिपेंड करता है, और ख़ास करके इस वर्ल्ड्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के अंदर सेल पाए जाते हैं। सेल से ही बिल्डअप होते हैं, सेल से ही बनते हैं, सेल से ही बिगड़ते हैं। सेल डैमेज हुआ है तो बॉडी डैमेज हो गई। तो सेलुलर बायोलॉजी यहाँ पे स्टडी है, थोड़ी शॉर्ट है क्योंकि है तो प्रोग्राम बहुत बड़ा, लेकिन अभी थोड़ी सी ही इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अभी आपने सुना कैंसर में सेल पे ही सारे डिपेंड्स होते हैं, सेल ही अगर डिस्टर्ब हो गया तो कैंसर डेवलप कर जाता है। तो मेन हमारा फोकस अंडर द ट्रीटमेंट्स सेल पे ही होता है, हम इंट्रा सेलुलर जो फंक्शंस को है उसे मेंटेन करते हैं। ओके, एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड अराउंड द कंसेप्ट दैट द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये जरूरी है लाइफ के लिए, एक यूनिट है लाइफ। अगर है तो सेल का होना जरूरी है, सेल नहीं है तो लाइफ नहीं है। फोकसिंग ऑन द सेल, अब यहाँ पे फोकस किया जा रहा है सेल, परमिट्स डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टिश्यूज एंड ऑर्गेनिज्म दैट सेल कंपोज। सेल नहीं है तो टिश्यूज कहाँ बनेगा, टिश्यूज नहीं है तो फिर फाइबर्स कहाँ बने, फाइबर्स नहीं है तो ऑर्गन्स कहाँ बनेगा। तो ये सब एक स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिज्म के लिए, ये इस एक लाइफ को क्रिएट करने के लिए सेल ही है। जब फेटस में ओवम सीक्रेट करता है, स्पर्म का उसे मिलना जरूरी होता है, स्पर्म भी एक सेल है और ओवम भी एक सेल है। लार्ज सेल ओवम है, स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म है। ये जब तक दोनों फ्यूज नहीं होते उस कंडीशन में वो सेल डिवीजन नहीं होता, और जब सेल डिवीजन नहीं प्रॉपर होता तो प्रेगनेंसी मुमकिन नहीं है, मुश्किल है। ओके, अब ये कंसेप्ट तो अलग ही है सब्जेक्ट, तो वो जब स्टरिलिटी का केस होगा स्टडीज करेंगे तब उसमें आएगी ये चीज़ें किस तरीके से डेवलप करते हैं। ओके, व्हाट टॉपिक्स आर इन सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी एग्जाम्स ऑन माइक्रोस्कोपिक एंड मॉलिकुलर लेवल्स द फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। ये फिजियोलॉजिकल है, यहाँ फिजियोलॉजिकल जैसे आती है तो हम किस मेडिसिन को अपने जहन में लेंगे, याद है कुछ? ईएच सिस्टम ऑफ मेडिसिन में फिजियोलॉजिकल मेडिसिन कौन सी है, कुछ आइडियाज? चले, स्क्रोफ्लोसो ग्रुप की मेडिसिन कंप्लीटली फिजियोलॉजिकल एक्शन रखती हैं और फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को मेंटेन करती हैं। स्ट्रक्चर लेवल की जो मेडिसिन है वो सी ग्रुप की है। ऑर्गेनेल्स सच एज न्यूक्ली एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो फिजियोलॉजिकल जो मेडिसिन है वो मेंटेन करती हैं न्यूक्लियस एसिड को और माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया अगर एबनॉर्मल वर्क कर रहा है, हाइपर हाइपो कंडीशन में है या हाइपर कंडीशन में है, तो हमारे बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशन उसी तरीके से डेवलप होती है। अगर हाइपर मूड में है तो इस कंडीशन में हमारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस आएगा वो पॉजिटिव फेस की तरफ होगा, हाई ब्लड प्रेशर, हेमरेज, बॉडी के सेल्स ब्रेक कर रहे होते हैं जहाँ पे सॉफ्ट सेल हो, जैसे अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया
और बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई, तो ब्लड के कार्डियक अगर मसल्स के अंदर ये चीज़ डेवलप हो गई तो उसके फंक्शंस चेंज हो जाएंगे और ब्लड के फोर्स बढ़ जाएंगे। ब्लड का फोर्स अगर बढ़ा तो जाकर जहाँ पे सबसे सॉफ्ट जगह पाएगा वहाँ पर कैपलरीज या वेसल्स रैप्चर कर जाएंगे, रैप्चर करेंगे तब हैमरेज हो जाएगा। वो हैमरेज कहीं पे भी हो सकता है, बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकता है। अगर ये एब नॉर्मल काम कर रही हैं तो ये कहीं पे जा करके सेल्स को डिसॉल्व एब्स कलेक्शन का कॉज बनाएंगी, जैसे कि प्लैक्स वगैरह जो आर्टरीज के अंदर बनते हैं, तो ये एक सिक्रेशन करेंगी, स्टिक फॉर्म में करेंगी। तो इस तरीके से हम सेल के इंट्रासेलुलर जो ट्रीटमेंट देते हैं वो फिजियोलॉजिकल मेंटेन जो करते हैं वो करते हैं स्कैरफोलोसो ग्रुप की। ओके, और ये जो सेल और न्यूट्रिशंस को जो हम मूव करते हैं बॉडी के अंदर वो एंजाइट को ग्रुप की मेडिसिन से करते हैं। मेटाबोलाइज और नॉन यूजेबल प्रॉपर्टी जो है, जैसे कि अभी आपने सुना कि सेल डाई होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, वो सेल जब डाई होते हैं तो उनको रिमूव करने के लिए एक्सक्रेटरी सिस्टम की मेडिसिन होती है फिजियोलॉजिकल, जिसमें आप S6 कर सकते हैं। S10 भी एक्सक्रेटरी सिस्टम में आ जाएगी क्योंकि वो फीकस पास करती है, स्टूल पास कराती है। S6 है वो यूरिन पास कराती है। F1 है वो नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करके करके वो स्वेट ग्लैंड का सिक्रेशन बढ़ाती है, प्रेस्पायरेशन करती है, स्वेटिंग कराती है। तो इस तरीके से ये ग्लैंड्स पे इफेक्ट हैं हमारी मेडिसिनों का। अब कोई भी चीज़ बॉडी के अंदर गैसियस फॉर्म में है तो वो हमारे पेक्टोरल ग्रुप की मेडिसिन है जो लंग्स पे काम करती है, लंग्स से उसे एक्सक्रीट कराती है स्प्यूटम के जरिए, बार बार स्प्यूटम आ रहा है या फिर कफ हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो गैस के अंदर बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम है, गैसियस जो टॉक्सिकेशन है वो रिमूव करता है रेस्पिरेटरी सेक्शन से होता है। तो ये हमारी पूरी बॉडी का एक फंक्शन हो। इंटरैक्शंस, लाइफ साइकिल्स, डिवीजन एंड डेथ ऑफ दीज बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑर्गन। डेथ अगर होती है तो यही इसी डिवीजन के अंदर डेथ होती है तो पूरी बॉडी डेथ कर जाती है। पहले तो लोकल होती है, उसे पता नहीं चलता है, सिर्फ लाइट एक पिन जैसा महसूस होता है कि यहाँ कोई पेन पेन हुआ। जब कोई भी सेल डेथ होता है तो वो ये महसूस होता है कि यहाँ पे कुछ हुआ, लेकिन बॉडी उसे मैनेज कर लेती है, इमिजिएटली उसे रिकवर कर सकती है। जब उसके रिकवर करने में स्लो पोजीशन होती है, थोड़ा स्लो काम करती है, तब हमें एहसास होता है कि नहीं, हमारे बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस हुए। और वो जब रिकवर कर लेती है तो वहाँ से बिल्कुल वो फीलिंग खत्म हो जाती है जो हमें महसूस होता है कि यहाँ पेन हो रहा है या कुछ हमारे साथ हो रहा है इंटरनल, तो वो चीज़ खत्म हो जाती है। तो ये बॉडी खुद को रिपेयर कर लेती है, लेकिन जब रिपेयर नहीं कर पाती तो कंटिन्यू वो एक बार, जैसे कि आज कोई हल्की सी चुभन कहीं पे हुई, चलो ठीक है आज हो गई, खत्म हो गई, 4-5 दिन के बाद फिर यही चीज़ हुई, हमारी बॉडी वो बॉडी ने उसे मेंटेन कर लिया, रिकवर कर लिया, लेकिन 4-5 दिन के बाद फिर ये आए, फिर उसके बाद रिकवर हो गए, लेकिन 8-10 दिन या महीने भर भर के बाद जो है फिर वो कंटिन्यू बन गई। अब क्योंकि बॉडी तो मैनेज कर रही है, बॉडी सब क्यों केयर कर रही, लेकिन क्योंकि बार बार ये अटैक हो रहा है तो अब बॉडी उसे संभालने में कैपेसिटी नहीं रखती है, तो उसे क्या चाहिए, एक्सटर्नली हेल्प। अब एक्सटर्नली जब हेल्प चाहते हैं तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, एलोपैथ वाले तो कोई बैक्टीरिया कॉज हो सकता है या एनवायरमेंटल कॉज हो सकता है, तो एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक से ट्रीट करते हैं। जब ईएस सिस्टम ऑफ मेडिसिन के पास कोई आता है तो उसमें क्या करता है, उसमें हम उनके फिजियोलॉजिकल, एनाटोमिकल, क्योंकि जब 10-15 दिन या महीना हो जाता है तो स्ट्रक्चर जब कंटिन्यू पेन डेवलप हो रही हो तो ये समझ लेना चाहिए कि सेल डैमेज की पोजीशन पे हो गया। 24 आवर के बाद अगर बार बार कोई चीज़ वहाँ पे डेवलप हो रही है, बार बार पेन है, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे टिश्यूज़ डैमेज हो गए हैं, टिश्यूज़ सेल डेथ हो रहा है। सेल डेथ को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, टिश्यूज़ को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, हम एस ग्रुप के साथ सी ग्रुप को ऐड कर देंगे, सी ग्रुप को ऐड करेंगे। ये हुआ क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी का जो जो बायोलिटिकल एनर्जी है वो कहीं फेल हो गई थी, उसे मेंटेन करने में नर्वस सिस्टम उसे केयर नहीं कर रहा था, तो हम एक ग्रुप को भी ऐड कर लेंगे।
बायोलिटिकल एनर्जी को जो हम प्रोड्यूस कराएंगे बॉडी के अंदर, तो ये एक फीलिंग, एक एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, ये खुद ब खुद बॉडी को मैनेज करने के लिए मैसेज प्रोवाइड करेगी, और हमारी बॉडी के अंदर जो लॉस होता है, जो थकान लगती है, वो थकान नहीं लगेगी, तो बॉडी इससे हेल्दी बनी रहेगी। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे एक सेल को लेके हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम तो देखते हैं पूरी बॉडी को, लेकिन यहाँ पे एक सेल को माइंड में रख के हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो बॉडी का जब स्ट्रक्चर सही होगा, उनकी फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल पोजीशन सही होगी, वैसे ही हमारी बॉडी हेल्दी बॉडी हो जाएगी। और कोई भी अगर एक नॉर्मल ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, एक सिंपल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उसके अंदर कैंसर भी हम प्रिवेंट करते होते हैं। और अगर कैंसर का सेल कहीं पे बन रहा है इनिशियल स्टेज में, जैसे कि अभी आपने देखा बहुत बड़ा ग्लैंड ट्यूमर ग्रोथ कर गया, ट्यूमर इनिशियल स्टेज में है, तो वहीं से रिमूव हो जाता है। तो हम प्रिवेंटिव, कैंसर प्रिवेंटिव भी करते हैं सारे ट्रीटमेंट के साथ साथ। ओके, सेल थ्योरी फर्स्ट डेवलप इन 1839 बाय मैथियस जॉक्स साइलेंस एंड थियोडोर स्कॉन स्टेट्स डेट ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ वन आर मोर सेल, डेट सेल आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डेट इज ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, अब हम यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं, हो गया ये, और अभी ये बहुत लंबा चैप्टर है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं थोड़ा लिम्फ एंड ब्लड के पास, जिसे हमारा खास सब जुड़ाव है। लिम्फ एंड ब्लड, लिम्फ बॉडी फ्लूड डिक्रीज, अब यहाँ पे सिर्फ हमने अभी लिम्फ को लिया है, लिम्फ बॉडी फ्लूड डिस्क्रिप्शन, लिम्फ इज द फ्लूड दैट फ्लो थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ क्या होता है? एक फ्लूड है जो फ्लो करता है लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। इस सिस्टम कंपोज्ड ऑफ लिम्फ वेसल्स एंड इंटरविंग लिम्फ नोड्स हुज फंक्शन लाइक द वेनस सिस्टम इज टू रिटेन फ्लूड फ्रॉम टिश्यूज टू द सेंट्रल सर्कुलेशन। ये जैसे कि हमारा वेनस सिस्टम काम करता है, वैसे ही ये भी काम करता है। जब यूज हो जाता है लिम्फ और उसका फंक्शन ख़त्म हो गया, लिम्फ का जो वेस्टेज बचा, फिर वो वेसल्स में रिटर्न हो जाता है और बॉडी से रिड्यूस हो जाता है, बाहर निकल जाता है। बोथ आर टू सर्कुलेटरी फ्लूड्स ऑफ द बॉडी, ब्लड मूव्स वाया ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ मूव्स वाया लिम्फेटिक वेसल्स। दो फैक्टर्स हैं अपने पास बॉडी के अंदर, क्या है, दो फैक्टर्स लेके चलते हैं हम ट्रीटमेंट में, लिम्फ एंड ब्लड। तो ब्लड, बोथ आर टू सर्कुलेटरी फ्लूड्स ऑफ द बॉडी, ब्लड मूव्स वाया ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ मूव्स वाया लिम्फेटिक वेसल्स। अब यहां पर वेसल्स पे जो काम करती है लिम्फेटिक वेसल्स पे कौन सी मेडिसिन काम करती है, कुछ आइडियाज है? तो हम यहां पे, क्योंकि अभी इतना ज्यादा एक्सप्लेन हुआ ही नहीं है, साइंस को किया ही नहीं गया है ये। जी लिम्फ पे तो एल्वन काम करती है, जी हाँ, लिम्फ नोड पे, लिम्फ नोड पे। लिम्फ नोड पे वेसल्स पे कौन से काम करती है, थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा सा और कोशिश करें, आ जाएगा सामने। वेसल पे A2 नहीं, वेसल ये तो ब्लड वेसल्स पे हुए ना, ब्लड पे हुआ, ब्लड वेसल तो लिम्फ 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 वेसल्स, A L2 नहीं, S1 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 जो है S1 ब्लड वेसल्स पे काम करती है, ब्लड ये सॉरी ब्लड वेसल क्या, लिम्फ वेसल्स पे और लिम्फ प्रोडक्शन पे भी काम करती है S1। ओके, यानी कि S1 और L1 हम देते हैं तो लिम्फ नोड और लिम्फ को क्लियर करती है जी वो। हाँ, ये है हमारा बेसिक जो ट्रीटमेंट है, इसीलिए कैंसर को हम बहुत अच्छी तरह स्टेट कर पाते हैं। ओके सर अब यहाँ जहाँ पे देते हैं, न्यूट्रिशन बचाना हो तो A1 जी हाँ, या A2, अगर लिम्फ तक न्यूट्रिशन पहुंचाना हो तो A2। नहीं देखे A2 नहीं, फिर वहाँ A3 लेते हैं, तो इसलिए L2 जो है, L2 के अंदर तीनों चीज आ गई है, S1 भी आ गया, L1 भी आ गया और A3 भी आ गया।
देखिए, जब जो दो जंक्शंस को मुझे क्लियर करना हो, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा फिर हम बैक पे जाके दिखा देते हैं, अगर कोई नया है तो फिर समझ सकता है अच्छी तरीके से इस पोजीशन को। थोड़े से होशियार हुए हैं सर हम, आपको आपने पढ़ाया हमें। नहीं, थोड़े से नहीं, पूरे हो जाए, क्योंकि हम हर जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है। आप लोग होशियार हो जाओगे तो ये समझ लें कि पैथी डेवलप कर जाएगी। देखिए यहाँ पे, अब जैसे कि A1 जो है यहाँ पे काम कर रही है आर्टिस पे, ठीक है, A2 काम कर रही है वेन्स पे। अब मुझे दोनों के सर बीच का यूज करना है। अब मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हम A2 में जाएं, A1 में जाएं या A2 में जाएं। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे दोनों कैपलरी और वेसल्स मिल रही हैं, तो ऐसी जगह पे हम A3 का यूज करते हैं। A3 का राइट जी सर, हाँ, ओके। यस सर। वाया लिम्फेटिक वेसल्स ब्लड ट्रांसपोर्ट गैसेस। अब लिम्फेटिक वेसल्स तो काम यहाँ पे कंप्लीट है, ब्लड ट्रांसपोर्ट, ब्लड का जो काम है ट्रांसपोर्ट गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड मेटाबॉलिक वेस्टेस। ये बहुत अच्छी तरह से याद कर लें, ब्लड का काम है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट्स गैसेस। अब देखिए इसमें दोनों तरह की गैसेस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गई और ऑक्सीजन भी हो गई। ऑक्सीजन आर्टीरियल ब्लड में पाया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आर्टरीज के अंदर पाया जाएगा। न्यूट्रिएंट्स आपका आर्टरीज के अंदर पाया जाएगा, जबकि मेटाबॉलिक वेस्टेस वेन्स के अंदर पाया जाएगा। ओके, क्लियर। तो ये दो काम ब्लड ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट में होता है, ट्रांसपोर्टेशन में होता है। लिम्फ इज अ ड्रेनिंग ऑफ टिश्यूज फ्लूड इट टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये ड्रेन करता है, लिम्फ लिम्फ ड्रेन करता है टिश्यूज फ्लूड इन टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो बॉडी के अंदर टिश्यूज हैं उन्हें बाथ कराता है, उन्हें वॉश कराता है, उनको न्यूट्रिएंट देता है, उनको इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है। तो ये जो भी वहाँ पे टॉक्सिकेशंस आते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो लिम्फ इज द ड्रेनिंग, ड्रेनिंग ड्रेन भी करता है ऑफ टिश्यूज, उनके अंदर जो भी टिश्यूज के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है, फ्लूड इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम द मेजर डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ इज द फंक्शन इन द बॉडी। मेजर फंक्शन है, मेन फंक्शन है, इसीलिए हमारे वहां लिम्फ एंड ब्लड को ज्यादा फोकस किया गया। अब लिम्फ एंड ब्लड को तो यहां पे हमने देख लिया, अब इन्हें हम इंट्रासेलुलर बेस पे, जहाँ पे हम सेल के स्टडीज करते हैं, इंट्रासेलुलर बेस पे हम इसको स्टडीज करते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट देते हैं। तो इस तरीके से हमारी 38 मेडिसिन EH की सारे जब से बनी हुई है आज और जब तक दुनिया रहेगी और पैथी वाले रहेंगे, तब तक यही 38 मेडिसिन काम करेगी। इसमें किसी दूसरी तीसरी मेडिसिन का ऐड करने की जरूरत नहीं, जबकि हर मेडिकल साइंस के अंदर नए नए रिसर्च हो रहे हैं, नई नई चीज़ें होती हैं, लेकिन पुरानी चीज़ों को वहाँ रॉन्ग कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। लेकिन ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऐसी है कि आज प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में ये रहेगी और इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। हाँ, चेंज करना पड़ेगा तो उसकी डोजोलॉजी अकॉर्डिंग कंडीशन, और जो कि होती है 1:9 रेशियो होता है D5, जिसे हम एक्यूट केसेस के लिए ग्लोबल्स फॉर्म में यूज़ करते हैं या फिर ड्रॉप्स फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं। यही चीज़ जब हम क्रॉनिक कंडीशन में पहुंचते हैं तो 1:47 का रेशियो यूज़ करते हैं, जो स्पैजिक एसिड D3 से तैयार किया जाता है। ये हम बॉडी के लॉ ऑफ पॉलिटी पे बेस करते हैं। लॉ ऑफ पॉलिटी को मेंटेन करने के लिए हम 1:47 का फार्मूला लेते हैं, और बॉडी के इंट्रासेलुलर न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने के, रिसेप्टर्स को ओपन करने के लिए हम ग्लोबल्स फॉर्म या D5 का यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम दोनों
पे यूज़ करते हैं। जब D5 का रिजल्ट मिल रहा हो जब तक, तब तक मुझे डाइल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर D5 का रिजल्ट मिलना बंद हो जाए या नहीं रिजल्ट दे सकते या एग्रवेट कर रही हो, तो हम 1:47 के फर्स्ट सेकंड थर्ड डाइल्यूशन से चूज कर सकते हैं। फर्स्ट दें अगर फर्स्ट भी एग्रवेट कर रहा है तो सेकंड दें, सेकंड भी एग्रवेट कर रहा है तो थर्ड दें, अगर थर्ड भी एग्रवेट कर रहा है तो आप थर्ड के अंदर 5 ml लेकर के 1 लीटर बॉटल में मिक्स करें और पेशेंट को कह दें कि दिन भर कोई भी पानी नहीं पीना है, तुम्हें यही पीते रहना है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से मेंटेन कर लेते हैं एग्रवेशन को। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ? लिम्फ इज द क्लियर टू वाइट फ्लूड टिश्यूज विच इज द कंपोज लिम्फोसाइट्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। डिफरेंस बिटवीन द ब्लड एंड लिम्फ। लिम्फ ब्लड डेफिनेशंस। इट इज द कलर लेस फ्लूड, इट इज द रेडिश कलर फ्लूड प्रोसेसिंग, इट इज पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हाउ डज लिम्फ रिटर्न टू ब्लड? कलेक्टिंग डक्ट्स लिम्फेटिक वेसल्स इम्पेटी द लिम्फ इन टू द राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड लेफ्ट lymphatic duct, also called the thoracic duct. These ducts connect to the subclavian vein, यहाँ पे वेन से अटैच हो रही है, which returns lymph to your bloodstream. और ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो लिम्फ होता है उसे रिटर्न लेती हैं। ओके, जो लिम्फ ये ब्लड के अंदर मिक्स होता है और सेल तक जाने के लिए रखा जाता है, पहुंचाते हैं, वहां से फिर ये रिटर्न ले लेते हैं जब यूज हो जाता है। अब हम चलते हैं लिम्फोमा पे, क्योंकि 10 तो ऐसे ही बच गया, सिस्टम को समझते हैं। सब्जेक्ट बड़ा है और वक्त बहुत कम होता है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, चलें यहाँ से शुरू कर देते हैं। व्हाट वाज योर फर्स्ट लिम्फोमा सिम्टम्स? स्वाइलिंग लिम्फ नोड, कहीं पे भी बॉडी के अंदर लिम्फ नोड स्वाइल कर जाएगी। फीवर एंड नाइट स्वेट्स आर कॉमन सिम्टम्स ऑफ लिम्फोमा। सिम्टम्स ऑफ लिम्फोमा ऑफ्टन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ यू हैव, व्हाट ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व। अब जो भी ऑर्गन इन्वॉल्व होगा उसी के नाम को दिया जाएगा। एंड हाउ एडवांस्ड योर डिजीज इज। सम पीपल विद लिम्फोमा विल एक्सपीरियंस ऑब्यूस साइन ऑफ द डिजीज वाइल अदर्स वॉन्ट एंड चेंजेस। बॉडी के जिस पार्ट में होता है उसी का कैंसर बोला जाता है। जैसे लीवर में हो गया तो लीवर कैंसर हो गया, अगर लंग्स के अंदर हो गया लंग कैंसर हुआ। अकॉर्डिंग डिजीज जहाँ जिस लोकेशन में हो रही है उसी का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे स्टेज ऑफ फॉलिकुलर लिम्फोमा। फॉलिकुलर लिम्फोमा इज अ स्टेज अकॉर्डिंग टू हाउ मेनी लिम्फ नोड्स आर अफेक्टेड एंड वेयर दे आर इन द बॉडी। द डॉटेड लाइन बिलो इंडिकेटेड ऑन विच साइड ऑफ द डायफ्राम द अफेक्टेड लिम्फ नोड्स आर। स्टेज वन, जब पेशेंट स्टेज वन में होता है तो नॉर्मल लिम्फ इस तरीके से पाई जाती हैं। और लिम्फ नोड्स विद फॉलिकुलर लिम्फोमा, ये फॉलिकुल्स बढ़ रहे हैं। स्टेज टू, टू आर मोर लिम्फ नोड्स एरियाज सेम साइड ऑफ द डायफ्राम। ये अबो डायफ्राम और बिलो डायफ्राम। स्टेज थ्री, लिम्फ नोड एरियाज ऑन बोथ साइड ऑफ द डायफ्राम। तो यहाँ पे ऊपर हो गया, ये लोअर, दोनों साइड पे डेवलप हो गया। स्टेज फोर, स्प्रेड आउटसाइड ऑफ द लिम्फोमा सिस्टम टू एन ऑर्गन्स डेट इज नॉट डायरेक्टली नेक्स्ट द इन्वॉल्व लिम्फ नोड एरियाज। डू यू फील इल विथ लिम्फोमा?
सिम्टम्स फ्रॉम लिम्फोमा इन द एब्डोमेन, सिम्टम्स फ्रॉम लिम्फोमा इन द एब्डोमेन, जब सिम्टम्स होते हैं एब्डोमेन के अंदर तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, यहाँ पे देखते हैं। एन इनलार्ज स्प्लीन माइट प्रेस ऑन द स्टमक, स्प्लीन इनलार्ज कर जाएगी जब हमें उसे चेक करेंगे और पेशेंट को चेक करेंगे, तब वो मुझे बड़ी हुई मिलेगी। विच कैन कॉज ए लॉस ऑफ एपेटाइट, और स्प्लीन अगर बढ़ गई तो वहाँ पर लॉस ऑफ एपेटाइट होगी। एंड फीलिंग फुल आफ्टर ओनली स्मॉल मील्स, ये फीलिंग होगी, मैं लगेगा कि हमने बहुत सा खाना खा लिया जबकि खाना नहीं खाया होता है, भूख मर जाती है, जैसे कहते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। लिम्फोमा इन द स्टमक और इंटेस्टाइन कैन कॉज एब्डोमिनल पेन, नासिया एंड वॉमिटिंग। नौजिया एंड वॉमिटिंग, ओके, ये लिम्फेटिक चैनल्स हैं, सर्वाइकल लिम्फ नोड, सुपर सुपर क्लेविकल, एक्सेलरी, मेडिस्टेनल, सुपर आर्टिकुलर, मैसेंट्रिक, इंग्यूनुअल, फीमोरल और पोपिटेल। लिम्फ नोड देख लें किस तरीके से होती है, इसके अंदर भी वेन है, आर्टरी है, लिम्फेटिक वेसल्स हैं। लिम्फ नोड क्रॉस सेक्शंस, लिम्फ नोड्यूल्स इन कॉर्टेक्स इन इंटरनल पोजिशन। अब यहाँ पर ये जो ब्लड के ये जो आर्टरीज है, वेंस हैं, ये इतनी हार्ड हो जाती हैं जैसे कि कोई रोप रोप होती है, जैसे कि रस्सियाँ होती हैं, और ये अगर नेक पे हुआ, हमने शायद पिछले लेक्चर में बताया था, इससे पहले बताया था कि हमारे पास एक पेशेंट आया था, जैसे लगता था किसी ने और कोई उसे हैंग कर दिया हो नेक को, तो इस तरीके से ये जो बहुत ज़्यादा हार्डनेस बढ़ती है तो ये हैंगिंग का काम कर देती है नेक के ऊपर। जैसे यहाँ पे ये अगर डेवलप होकर इस साइड पे गई और इस साइड से डेवलप हो रही है, यहाँ पे होने की वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, नींद भी कम आती है और हेडेक बहुत बना रहता है। लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड्यूल इन कॉर्टेक्स, टॉन्सिल, टॉन्सिल की जगह पे होते हैं, अक्सर टॉन्सिल स्वेल कर जाता है, और जब टॉन्सिल टॉन्सिल होता है सर्दियों के दिनों में, उस कंडीशन में भी प्रॉब्लम होती है। और ग्लैंड हम चेक कर सकते हैं, थाइमस, लिम्फ नोड, लीवर एंड स्प्लेन। लिम्फेटिक सिस्टम, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, थाइमस, पैलेटाइन टॉन्सिल, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, स्प्लेन, थोरेसिक डक्ट, इंग्वल लिम्फ नोड, सिस्टर्न काइली, राइट लिम्फेटिक डक्ट। थाइमस को तो आपने देख लिया, लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक वेसल्स और ये ब्रेस्ट के ऊपर इसके नेट्स, स्प्लेन, बोन मैरो, स्टमक को इफेक्ट करें, कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाट नॉट टू ईट विथ लिम्फोमा, अब जब लिम्फोमा हो गया तो क्या नहीं खाने चाहिए, अवॉइड ईटिंग रॉ मीट्स, कच्चे जो भुने हुए गोश्त होते हैं रॉ मीट उसे नहीं खाना चाहिए, एग्स, स्पोर्ट्स एंड सुशी, अवॉइड थावमिंग फ्रोजन आइटम्स ऑन द कंट्री, यूज सेपरेट प्लेट्स फॉर रॉ मीट्स बिफोर कुकिंग, अवॉइड अपहेस्टराइज्ड मिल्क, अनपास्टराइज मिल्क, चीज एंड जूस, अवॉइड अनपास्टराइज मिल्क, चीज एंड जूस, ये चीज खाने से डेवलप करेगा, इन चीज़ों को लेने से डेवलप करता है, तो बेहतर है
ग्रीन वेजिटेबल का यूज़ ज़्यादा कराएं, और अगर देना है तो चिकन सूप दे सकते हैं, वो भी चिकन जिसमें फैट ना हो, विदाउट फैट। नेक सर्वाइकल लिम्फ नोड, आर्मपिट एक्सिलरी लिम्फ नोड, ग्रोइन इंग्वेल लिम्फ नोड्स। इज अ लिम्फोमा ए टर्मिनल कैंसर? लिम्फोमा मोस्ट ऑफ्टन स्प्रेड टू द लीवर, बोन मैरो और लंग्स। अब देखिए यहाँ पर लीवर जब आता है तो हमारा जो ट्रीटमेंट होगा, S5 प्लस C10 हो जाएगा। F1 क्यों? आउट ऑफ कंट्रोल जो है सेल्स डेवलपमेंट है, जिसे सेल किल होना चाहिए, उस बॉडी मैनेज करते वक्त किल करती है सेल को, एक टाइम पीरियड के अंदर वो किल नहीं हो रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा, तो इसको नर्वस सिस्टम मेंटेन करता है, तो हम नर्वस सिस्टम के लिए हम F1 देंगे। और यहाँ अगर टेम्परेचर भी राइज करेगा तो F1 आ जाएगा, ठीक है। S5 C10 F1। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस को जो प्रोग्रामिंग है उनको मेंटेन करने के लिए हम वेन यूज करेंगे, ये लीवर। अब इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम अकॉर्डिंग कंडीशन देखेंगे, जैसे कि सीवियर पेन हो, लाइक सिजीरियन विद बर्निंग, नॉन बर्निंग जी, ओके। कैंसर के अंदर जी कहा गया है रामबाण है, तो यहां पे जी दे देते हैं। अगर पेन है, सिंपली पेन रहती है, तो WE। हार्डनेस है, पेन नहीं है, कैंसर क्लियर हो गया है, इसे रिमूव करने के लिए बॉडी से RE को देंगे। ये जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी जो ऐड कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस प्रॉपर्टीज को एनर्जी देने के लिए दे रहे हैं। जी जो है सेल्स को रिपेयर करने का काम करता है, अननेसेसरी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, बॉडी को हाइपर एक्टिविटी से जाने से रोकता है, निगेटिव मेडिसिन है। तो यहाँ पे जब सेल्स डिवीजन बढ़ रहा है तो ये जी उस डिवीजन को कम करेगी। WE दोनों सेक्शन को मेंटेन करेगा, और RE यहाँ पर लाइक स्टोन हार्ड ट्यूमर है, तो इस कंडीशन में उसे रैप्चर करने के लिए, ब्रेक करने के लिए RE यूज की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने ट्रीटमेंट फर्स्ट टाइम दिया है, S5 C10 F1 Vein 1, ठीक है। अब हमें क्या चेंज करना है इसके अंदर? अच्छा, इसके अंदर A1 भी देंगे, क्योंकि ए ग्रुप की मेडिसिन देना ज़रूरी है, ए क्योंकि वहाँ पर डिफिशियंसी क्रिएट कर रही है, और न्यूट्रिशंस की, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो हम यहाँ पर या तो A3 ऐड करते हैं, या S1 के साथ A3 को कर दें, या L2 सीधे कर दें, L2 कर दें तो बेहतर रहेगा, बिफोर मिल्स L2 कर दें। और ये जो कम्बिनेशन है S5 C10 F1 Vein 1, इसके साथ A1 कर दें और जी, ठीक है। अब हमें ऑर्गन वाइज, जैसे यहाँ पे दिया गया है लीवर, अभी हम लेके चल रहे थे बोन मैरो, बोन मैरो के लिए, अब जब बोन मैरो इन्वॉल्व है तो यहाँ पर हमें अगर एट ए टाइम दोनों ट्रीटमेंट देना है साथ में, तो L2 के साथ हम C4 ऐड कर देंगे, विद WE कर देंगे, ठीक है। और अगर सिर्फ मुझे बोन ही कैंसर में ट्रीटमेंट देना है तो S10 नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे C4 ऐड कर लिया जाएगा। एनी क्वेश्चंस? यहां पर दो मिक्सचर्स हम देंगे पेशेंट्स को, एक क्योंकि कैंसर है लिम्फ और बोन मैरो इफेक्टेड होता है, तो S1 के साथ। जी बोलिए। सर, एक पेशेंट है 38 इयर्स की, उनकी आईब्रोज के हेयर्स जा रहे हैं एकदम। तो उसके लिए
जैसा बाद में आप कॉल कर लेना फ़ोन पे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हम जो कैंसर का ट्रीटमेंट बता रहे हैं, और आईब्रोज के अगर कॉल जा रहे हैं तो उनके लिए सबसे पहले आप S1, F1 और मिनट सर, C4, W दे सकते हैं। S1, F1, F1, C4, W, C4, W. इसे लगाने में भी आयल में करके दें यूज़ करने के लिए, और इसे पीने के लिए भी दे दें, ठीक है? तो ओके देखिए, अब देखिए यहाँ सर, पे इन, हाँ जी बोले कुछ कहा? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं कहा। देखिए अब यहाँ पे C4 हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हेयर फॉल में। अब यही चीज़ हमारी यूज़ हो रही है बोन पे, बोन मैरो पर। इनके जो सेल्स की प्रॉपर्टी है वो C4 के अंदर आ रही है। अब यहाँ पे हमने बोन मैरो के लिए लिया, तो बोन मैरो C4 के अंदर कंट्रोल आती है, तो इसलिए हमने C4 को ऐड कर लिया। तो ये दो मेडिसिन हो गई। अब एक मेडिसिन हो गई हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम फेल होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ही सारी चीज़ें बॉडी के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करने के लिए क्या करते हैं, हम पहले नंबर पे कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करते हैं, कॉन्स्टिपेशन ख़त्म करते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम्स का प्रॉपर सिक्रेशन हो, और हमारी बॉडी जो भी प्रोडक्ट फूड्स ले रही है उसका जो जो कंटेंट्स है वो प्रॉपर प्रॉपर बॉडी को मिल जाए। तो यहाँ एस्टन इसे डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करता है, बावेल को क्लियर करता है। अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो हम एस्टन C10 साथ में कर सकते हैं, F1, Y भी साथ में दे सकते हैं विद A1 के साथ। A1 एक जगह दे दिया गया है, दूसरी देने की ज़रूरत नहीं है। वर्वन साथ में देंगे क्योंकि वर्वन भी बॉवल को क्लीन करने के लिए दी जाती है। तो ये हो गया कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिसिन। अब कैंसर के पेशेंट में आफ्टर मील्स लुक वर वाटर में हाफ कप में आप 5 ml दे दें पीने के लिए 2 टाइम। अब L2 जो यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर S1 आ रहा है। S1 क्या होता है कि हमारे बॉडी जो हम फूड्स लेते हैं ये प्रॉपर डाइट प्रॉपर एब्जॉर्ब कर ले, ले कब लेगी, जब उसे पहचानेंगे। हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, हर चीज़ को पहचान लेती है हमारी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब ये सिस्टम फेल हो जाता है, जिसे होमोस्टेसिस मैकेनिज्म कहते हैं, तभी जाकर हमारी बॉडी के अंदर कोई डिजीज इन्वॉल्व होती है। तो ये S1 तो पहले सलाइवेशन से फूड के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया है वहीं पर ख़त्म कर देते हैं, वहीं पर वो इम्यून सिस्टम को डेवलप कर लेते हैं। उसके साथ जब फूड्स के पार्टिकल्स च्यूइंग करते हैं, टूट करके जब स्टमक के अंदर जाते हैं, तो S1 बिफोर मिल्स जा करके पूरी बॉडी के अंदर पहले नंबर पे सिक्रेशन कराती है स्लाइवेशन का, दूसरे नंबर पे हार्मोन का, तीसरे नंबर पे इन जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम के ट्रैक हैं इनके रिसेप्टर्स को ओपन करने का काम करती है। रिसेप्टर्स जब ओपन हो जाते हैं तो जिस फूड का मेटाबलाइज हो रहा है और ये एस्टेन कर रही है, हमारा पेट उसे पचा रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, उसमें से निकलने वाले कंटेंट्स को रिसेप्टर्स एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, बॉडी उसे एक्सेप्ट करने लगती है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो फिकस के जरिए, स्टूल के जरिए, टॉयलेट के जरिए बाहर आ जाती है। तो इसलिए हम S1 बिफोर मिल, S10 आफ्टर मिल कर देते हैं। तो अब कैंसर का पेशेंट है हमारा, तो एक मेडिसिन जो चीफ मेडिसिन चीफ मीन्स खास मेडिसिन हो गई, जो हमारे खास करके उस ऑर्गन की हो गई जिसे पेशेंट ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में ले रहा। लेकिन दो सपोर्टिव मेडिसिन हो गई। लेकिन सपोर्टिव के साथ साथ क्या हुआ, हमने इंटेस्टाइनल का भी ट्रीटमेंट किया, हमने बोन मैरो का भी ट्रीटमेंट किया, और इम्यून सिस्टम को भी डेवलप किया। तो ये सब मिलकर के हम पूरे एक सेल क्या पूरी बॉडी के 70,000 ट्रिलियन सेल्स का ट्रीटमेंट एक साथ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बोन मैरो हो गया और लंग्स। अब लंग्स अगर आता है तो लंग्स के साथ हम ठीक है, C10 को हटा देंगे, C10 की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लंग्स के अंदर एक ब्लडर टाइप है, बैलून है, तो यहाँ पे हम C2 ऐड कर देंगे। ओके, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो C2 ऐड कर देंगे, अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो C5 ऐड करेंगे। C5 होल बॉडी में जहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा सेल डैमेज हुए हों, टिश्यूज डैमेज हुए हों, तो ऐसी जगह पे हम C5 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे C2 को ऐड कर देंगे, ठीक है? अब क्योंकि पैक्ट लंग ये लंग्स है, लंग्स के अंदर
इन्वॉल्व है, इन्वॉल्वमेंट्स हैं। तो हम लंग्स की मेडिसिन फैक्टर और ग्रुप की अकॉर्डिंग कंडीशन, अगर ओल्ड एज है तो P4, फीमेल है A3, चाइल्ड है A3, अगर एडल्ट है तो P1, और अगर कॉम्प्लिकेटेड ब्रिजलेसनेस है तो P2, कॉम्प्लिकेटेड केस पे। तो इस तरीके से हम एक ऑर्गन की मेडिसिन सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें हम फिजियोलॉजिकल, एनाटोमिकल एंड साइकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल और बायोलिटिकल एनर्जी और इंटरसोलर के तरीके से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, स्टेज थर्ड एंड फोर, लिम्फोमा आर कॉमन, स्टिल वेरी ट्रीटेबल एंड ऑफ्टन क्यूरेबल डिपेंडिंग ऑन द NHL सब टाइप। स्टेज थर्ड एंड स्टेज फोर आर नाउ कंसीडर एट सिंगल कैटेगरी बिकॉज द हैव द सेम ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस। तो अब ये तो हमने अपने तरफ से तो लिया नहीं है कि चलो ठीक है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ वाले कह रहे हैं कैंसर क्योरेबल है, ये तो एलोपैथ डिपार्टमेंट से ही कहा जा रहा है कि कैंसर क्योरेबल है, लेकिन समय रहते हैं। अब अगर ऐसी कंडीशन में हमारे पास केस आता है तो 100% क्योरेबल है। हम तो हमारे अंदर, हमारी पैथी के अंदर तो देखा गया है लास्ट स्टेज में है, डॉक्टर्स ने टाइम दे दिया कि इतने दिन में एक्सपायर कर जाएगा पेशेंट, बचेगा नहीं, डेथ हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो पेशेंट बच गया। तो ये तो एक करिश्मा है ही है इस पैथी के अंदर। तो यहाँ पे हम अपना आज लेक्चर ख़त्म करते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया है, और अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो ले सकते हैं। सर कैसे इसको बढ़ सकते हैं? जी टेलोमियर्स तो आपका पहले ट्रीटमेंट को दिखाएगा ना, दैट इज वो टेलोमियर्स वो श्रिंक होनेंगे तो ये कैंसर तो बढ़ जाता है, तो कैसे ये टेलोमियर्स को ग्रो कर सकते हैं? और आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, लेकिन यह है कि ये अगर सिस्टम को अगर फॉलो